क्योंकि जो लोग औरों की बुराई करते हैं वो लोग अपना पुण्य उन लोगों को दे देते हैं और उनका पाप अपने सर ले लेते हैं। एक राजा को कोड़ हो गई, कोड़ हुई तो गुरुजी मेरी कोड़ ठीक हो जाए उपाय बता। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, अभी कुछ दिन बाद तेरी प्रजा तेरी बुराई करेगी, तू ठीक हो जाएगा। अब प्रजा को पता लगा कि राजा को कोड़ हो गई तो बुराई करने लगे, हाँ राजा ऐसा है राजा वैसा है, तो धीरे धीरे राजा की कोड़ ठीक हो गई। ठीक हुई तो वो राजा गुरुजी के पास, बोले गुरुजी क्या चमत्कार, मेरी कोड़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो गुरुजी ने कहा कोई चमत्कार नहीं है, जब तेरी प्रजा तुझे जो कोड़ हुई बीमारी हुई ये बीमारी तेरे पाप से हुई है, पर जब तेरी प्रजा तेरी बुराई करने लगी तो उनका पुण्य तेरे सिर और तेरा पाप उनके सिर चला गया। इसलिए वो लोग जो औरों की बुराई करते हैं वो निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पल्ले पुण्य बचता ही नहीं है, और जिसके पल्ले पुण्य बचेगा वही तो धनवान बचेगा। बोलो राधे। आप लोग चिंता मत करो, आप सब अच्छे हो खूब सारे, हर हर। तो यहाँ कहा गया भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के जब पास गए तो सत्राजित ने क्षमा मांगी भगवान से, और सत्राजित अपनी कन्या सतभामा और वो मणि सतभामा को भी भगवान को अर्पण कर दिया, और वो मणि भी भगवान द्वारिकाधीश को अर्पण कर दी। महाराज भगवान की पहली पटरानी रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी पटरानी हुई सतभामा, चौथी पटरानी हुई माँ कालिंदी, जिन्हें कहा जाता है यमुना मैया। यमुना जी भी भगवान की पटरानी है। बोले यमुना महारानी की। फिर पांचवी का है लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा और मित्रविंदा, ये चार पटरानियां और हैं। इस प्रकार भगवान की आठ मुख्य पटरानियां।